न्यू ब्लॉग माय विलेज। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने गांव में ले आया हूं। विंटर के टाइम ठंड का समय है और मेरे गांव में काफ़ी ठंड पड़ रहा है। इतना ठंड पड़ रहा है कि पूछिए मत। और मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूं गांव में, तो मेरा हालत देख लीजिए। मैंने जैकेट कोट वोट सब लगाए रखा हुआ है और अभी टाइम भी हुआ है 9:30 यानी लगभग 10 बजने वाले हैं। उसके बावजूद भी यहाँ ठंड का ऐसा माहौल है कि पूछिए मत। तो फ्रेंड्स, अब मेरे गांव में मेरा आने का उद्देश्य ये है कि मेरा धान जो खेत में हरा भरा था जब मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था इंडियन फार्मर सीरीज का सीजन 1 का, तो मैं आज से अपना इंडियन फार्मर सीरीज 2 चालू करने वाला हूँ। सीजन 2 इंडियन फार्मर सीजन 2 को आज मैं लॉन्च करूँगा। तो आज से मैं आपको अपना इंडियन फार्मर सीरीज का सीजन 2 को आपको दिखाऊंगा। जी, उसके बाद की जो भी हमारी स्थिति रहेगी वो मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ, क्योंकि इस साल मेरा धान में काफ़ी बीमारी हो गया था। लास्ट सीजन में मैंने आपको बताया था मेरे के धान में काफ़ी बीमारी आ चुका है और उपज में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं आपको उसी चीज़ का शेयर करूँगा कि हम किसानों को इस साल कितना नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स देखे, मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ अपने गांव का। ये इस साइड ही हमारा खेत खार है, इस साइड गांव का, और इधर हमारी बस्ती है पूरा चारों तरफ, और ये हमारा तालाब है। और हमने अपना घर को बनाया हुआ था, वो भी लगभग 3-4 साल से हम इस घर को बना रहे हैं। और ये देखिए, अभी भी बाहर का प्लास्टर होना बाकी है। एक बात तो है, पिछले बार मैंने आपको अंदर का ब्लॉग दिखाया था घर के अंदर का, जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हमने अपने घर के अंदर का प्लास्टर करा दिया है। वो मैं आपको अपने घर का प्लास्टर और जो हमने नया काम करवाया है उसका दिखाता हूँ इस ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड, मेरा घर को भी देख लीजिए इस साल नए रूप में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सीढ़ी से हम नीचे उतरते हैं। ये देखिए चारों तरफ, पिछले बार हमारा ये पूरा प्लास्टर नहीं हुआ था। मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा दूंगा पिछले साल का इस क्या स्थिति में था और अभी ये क्या स्थिति में है। तो हमने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, 1 साल लग जाता है हर काम को करने में। तो चले मैं आपको अपना घर को दिखाता हूँ आपको। ये हमारा छत का सीढ़ी, अभी सीढ़ी का काम होना बाकी है और ये नीचे जाएगा। प्लास्टर तो हमने ओवरऑल करा दिया है, लाइट फिटिंग करना बाकी है अभी भी, यानी कि घर का जो मेन वर्क प्लास्टर वर्क होता है वो हमने किसी भी हालत में किसी भी रूप से ले दे के हमने उसको पूरा करवा लिया है। ये देखिए सीढ़ी है हमारी, नीचे जाती है और यहाँ पर ऐसा है। और ये दरवाज़ा तो पहले भी लगा हुआ था। ये हमारा हॉल है जो बड़ा कमरा था, इसमें हमने पंखा वंखा लगवा दिया टेम्परेरी, यहाँ पर अलमारी है। तो फ्रेंड्स ये वही अलमारी है जो मैंने पिछले अपने ब्लॉग में दिखाया था, मैं आपको यहाँ दिखा दूँगा आपको। और ये देखिए इस तरीके का अलमारी है। और हम ले चलते हैं आपको अपने घर की तरफ। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा टंकी था पुराना जो हम ऊपर ले जा चुके हैं, और ये कुछ सामान अभी भी पड़े हुए हैं। और ये खिड़की, लाइट के 2-2 खिड़की हैं और इस तरफ से जाते हैं। तो ये हमारा किचन एरिया है, यहाँ हम किचन बनाएंगे। अभी बना नहीं है लेकिन प्लास्टर वर्क हो चुका है, देखिए सारा प्लास्टर वर्क हो चुका है। बहुत मेहनत लगा है इसको करने में, 1 साल का मेहनत लगा है। इसका श्रेय मैं अपने माँ बाप को दूंगा, मेरे माता पिता ही यहाँ रह कर इस काम को पूरा करवाए हैं। ये देखिए ये हमारा गैलरी है, इधर से आते हैं। और ये छोटा सा बाथरूम बना हुआ है, पेंटिंग वेटिंग लग चुकी है। और एक दरवाज़ा इधर है। ऐसा करते हुए हम अपने सीढ़ी में वापस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स
अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा और मैं आपको आगे अपने खेत में भी लेके दिखाऊंगा कि हमारे इस साल खेत का क्या पोजीशन है। कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली बनवा रहा था अपने फैक्ट्री में, जिसके कारण मेरा वहाँ रुकने के कारण मैं यहाँ आ नहीं पाया और वो काम मैं देख नहीं पाया। मैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए, क्योंकि मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली मेरे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेरे खेती किसानी के लिए मेरे को ट्रैक्टर और उसकी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो मैंने ट्रैक्टर तो ले लिया है और उसका काम मैं इस साल चालू करूँगा। और ये मेरा ड्रीम था कि मेरे यहाँ भी एक ट्रैक्टर हो और उसका कुछ पार्ट हो, जिसके कारण मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होता था, वो डिपेंड ना रहूँ, मैं अपना स्वयं से ही खेती कर पाऊँ। तो लोन से मैंने सब कुछ किया हुआ है और लोन से ही, लोन को ही मैं इस खेती के ऊपर से ही लोन को पटाऊँगा। ये किसानों के लिए है। तो फ्रेंड, मैं आपको अपने खेत वाले ब्लॉग में लेके जाऊंगा, अपने खेत का व्यू इस ब्लॉग में छोटा सा दिखाऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत काफ़ी बड़ा हो चुका है और काफ़ी दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को पिछली बार की तरह, जैसे इंडियन फार्मर सीरीज सीजन 1 को आपने सपोर्ट किया था, तो प्लीज़ मेरे इस सीजन को भी, सीजन 2 इंडियन फार्मर को आप सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके। आप अगर मेरे ब्लॉग को नए देख रहे हैं, नए व्यूवर हैं, तो प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। आपके ही लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हम जैसे छोटे किसानों को अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं और उसका बेनिफिट हमको पूरा नहीं मिल पाता, लेकिन हम मेहनत जरूर करते हैं। ये हमारे मेहनत के कारण ही बहुत लोगों का बिजनेस चलता है, बहुत लोगों का। अगर मैं गेहूं उगाता हूं, तो गेहूं मेरे लिए खुद के लिए नहीं उगाता हूं, मैं व्यापारी को बेचता हूं, व्यापारी दूसरे व्यापारी को बेचता है, जिससे वो गेहूं से आटा बनाता है और आटा को पैकिंग करके आप लोगों को, दुकानदारों को बेचता है, दुकानदारों से आप लोग लेते हैं। तो हमारे किसान ही ये सब प्रणाली को जो चल रहे हैं, इकोनॉमिक प्रणाली को हम किसान ही चला रहे हैं। तो प्लीज़ आप हम जैसे किसानों को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट आप ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कह के इस ब्लॉग को कंप्लीट करूँगा। आज के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में आपको मिलूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय किसान।